नमस्कार, आप देख रहे हैं सीन स्पीक्स और मैं हूँ आपके साथ रोशनी यादव। बात कर लेते हैं जुनूनियत के प्रोमो की। जी हाँ, आपको बता दें जुनूनियत का जो प्रोमो है वो आउट हो चुका है। बड़ा ही मज़ेदार प्रोमो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत जो व्यूअर्स का है भर भर के प्यार मिल रहा है प्रोमो को। वहीं पर जो अंकित गुप्ता के फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अंकित गुप्ता बिग बॉस में दिखे थे और लोगों ने उनको भरपूर प्यार दिया था, भरपूर मनोरंजन से उन्होंने पूरे शो में अपना जो सिक्का है वो चलाया था। वहीं पर जो अब अंकित गुप्ता के फैंस हैं उनका एक दूसरा साइड देखेंगे, जहाँ पर वो जुनूनियत के अंदर एक पॉजिटिव कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें वो राज सिमरन वाली स्टोरी में ले जाता है। जो व्यू है स्टार्टिंग में प्रोमो का, वो वही DDLJ का सरसों का केक, गिटार और एक हैट लगाकर हीरो की तरह अंकित गुप्ता की जो एंट्री कराई है वो काफ़ी अमेजिंग है देखने में, विद एक शायरी के साथ, जो कि बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है देखने में। साथ में आपको थोड़े शो के कॉन्सेप्ट के बारे में बता दें। आपको बता दें कि जो शो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक आइडिया के पीछे है, जहाँ पर अंकित गुप्ता और गौतम विज और इलाही एक शो में मिलते हैं, एक कॉम्पिटिशन मिलते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, दैट इज़ द ग्रेट इंडियन वॉइस। वहाँ पर जो तीनों हैं अपने अपने रीजन से आए हुए होते हैं। जो गौतम अंकित गौतम है वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स पे लगे हुए इल्ज़ामों को हटाना है, अपनी जुनूनियत दिखानी है, अपनी जो आवाज़ है उसको अपनी पहचान बनानी है और अपने लिए फाइट करना है। वहीं पर जो जॉर्डन है, जो गौतम विज, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और वो भी आए हुए हैं शो में। वो रैप करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक अमीर बाप के बेटे का किरदार निभा रहे हैं और वो भी शो में आए हुए हैं। वहीं पर इलाही भी है, वो भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आती हैं। और अब ये तीनों जो हैं वो मिलने वाले हैं और बड़ा ही जो है धमाल होने वाला है स्क्रीन पर। जो अंकित गुप्ता के फैंस हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथ में गौतम विज भी अपना पूरा नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बेहद रेडी दिख रहे हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार ये शो होने वाला है। तमाम इससे जुड़ी बाकी अपडेट्स के लिए, क्या कुछ होता है शो में और जिस तरीके से जो फैंस हैं वो वेट कर रहे हैं क्या रिजल्ट आता है शो का देखने के बाद, तमाम इससे जुड़ी बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए सीरियल स्पीक्स के साथ।